बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मंडे को जो पेपर है मैथ का पूरे पंजाब के अंदर तमाम बोर्ड के अंदर, तो उसका गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो मैथ क्लास 10th साइंस ग्रुप का गेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता चलूँ। चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहले का पांचवा जूज, दूसरे का छठवां और तीसरे का नौवां दसवां, ठीक है। इसके साथ एक्सरसाइज 1.2 में पहले क्वेश्चन का तीसरा, आठवां, नौवां, दसवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 1.3 एक्सरसाइज का 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का 4, 7, 11 क्वेश्चन, तो इसकी आप स्क्रीन शॉट भी ले लें या लिखना चाहें तो लिख लें पॉज करके वीडियो। इसके बाद चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 के थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे क्वेश्चन का छठवां पार्ट और चौथा और पांचवा क्वेश्चन। इसी तरह 2.3 का दूसरे का दूसरा पार्ट, तीसरे का दूसरा पार्ट, चौथे का दूसरा पार्ट, पांचवें का तीसरा पार्ट, छठे का दूसरा पार्ट। इसके बाद 2.4 में आए तो पहला क्वेश्चन और सामने उसका थ्री पार्ट, दूसरा क्वेश्चन उसका भी तीसरा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इसी तरह 2.5 का जो है दूसरे सवाल का पांचवा, तीसरे का दूसरा। इसके बाद 2.6, इसमें भी आपके सामने ये है कि तीसरे का दूसरा जूज, चौथे का तीसरा जूज और पांचवें का दूसरा जूज। और एक्सरसाइज 2.7 में आप देखें तो छठा, दसवां और तेरहवां। इसके बाद एक्सरसाइज 2.8 के अंदर तीसरा, चौथा, छठवां, आठवां और दसवां सवाल। ये काफी लंबी चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 3 के अंदर चौथा, छठवां और दसवां 3.1 एक्सरसाइज में से दसवें का तीसरा पार्ट है, 11 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ठीक है। 3.2 के छठवें और बारहवां और तेरहवां क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 3.3 का पहले क्वेश्चन का सिक्स पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का फोर और सिक्स पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का फोर पार्ट, चौथे का फोर पार्ट। 3.4 पे आते हैं तो पहले क्वेश्चन के तीसरा, सातवां और आठवां पार्ट और दूसरे का तीसरा, पांचवां और आठवां और नौवां पार्ट। इसके बाद 3.5 पे आते हैं तो इसका तीसरा और पांचवां क्वेश्चन। इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 पे आते हैं तो इसका पहले क्वेश्चन का तीसरा और सातवां जूज और दूसरे का दूसरा जूज। इसके बाद एक्सरसाइज 3.7 पे आए तो तीसरा, पांचवां, आठवां और नौवां, इस तरह करके है। ये तीसरा चैप्टर हो गया। चौथे चैप्टर की 4.1 का 5 और 8 क्वेश्चन, 4.2 का 4 और 8 क्वेश्चन, 4.3 का 4, 7, 8 क्वेश्चन और 4.4 का 2, 4, 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आ जाए चैप्टर 5 पे तो 5.1 का 5 और 6 क्वेश्चन, 5.2 का 3 और 4 क्वेश्चन, 5.3 का 3 और 4 और 4 का जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट, 5.4 का तीसरा क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा पार्ट, चौथा और पांचवें का दूसरा और तीसरा। इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 है इसका 2, 4, 5, 6, ठीक है। चैप्टर 6 में 6.1 का पांचवा क्वेश्चन, 6.2 का पांचवां, छठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां। इसी तरह एक्सरसाइज 6.3 है उसमें 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन। तो ये साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नोट करते जाएं, काफी हेल्पफुल गेस है आप लोगों के लिए। चैप्टर 7 का 7.2 एक्सरसाइज में से 5, 6, 12, 13, 7.3 में से 7, 8, 10, 7.4 में से 6, 7, 10, 16, 20, 23, 24 और 7.5 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये काफी ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 13 में 13.2 एक्सरसाइज में से 2, 4, 6, 8 और एक्सरसाइज 13.3 में से 2, 4, 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 7। इसके बाद हम थ्योरम की बात करें तो अगर आप चैप्टर 9 के थ्योरम कर रहे हैं तो उसमें 1, 2, 4 इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 12 में 1 और 3 इंपॉर्टेंट है। कोशिश तो करें कि अगर क्वेश्चन चैप्टर 9 के कर रहे हैं तो सारे ही कर लें, इंपॉर्टेंट पे ना रहें, क्योंकि रिस्की काम है। 8 नंबर का आपका मुफ्त के ये नंबर होते हैं अगर आप 6 थ्योरम भी याद कर लेते हैं, और अगर चैप्टर 12 के कर रहे हैं तो उसी के कर लें आप सारे थ्योरम याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेशियो, डिफाइन नेम मेथड इक्वेशन, डिफाइन रेंज, प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन और डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
एंड रैशनल फ्रैक्शन। इसके बाद अगली डेफिनेशन है, इसमें डिफाइन कंप्लीमेंट ऑफ सेट रैशनल फ्रैक्शन, डिफाइन इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड वन वन फंक्शन, डिफाइन अर्थमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रेडियन एंड मेजर ऑफ एंगल, डिफाइन सर्कल लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट सर्कल और वेरिएबल डेफिनेशन डेविएशन। जी तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा गेस्ट पेपर फिजिक्स मैथ का, जो आपका मंडे को पेपर है। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयार करें पेपर, इन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। आई होप आपके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगा और काफी कुछ इसमें से आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वाला बोले भी नहीं।